Hey guys, welcome back to Toys Bazaar. आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए अमेजिंग सा नया ये स्टंट कार जो कि है बहुत ही छोटा सा। तो आपने स्टंट कार तो मैंने आपको पहले भी स्टंट कार दिखाई है और ये है हमारा छोटा सा स्टंट कार जो कि होने वाला है बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार। तो चले भाई छोटे से पैकेट को किया जाए अनबॉक्स और दिखाया जाए आपको ये नया टॉय जो कि है बहुत ही मज़ेदार। तो मैंने इसे नाम दिया छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आप जब इसे ट्राई करोगे तो आप भी इसे कहोगे कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो भाई इसके साथ मुझे मिला है ये मैनुअल बुक। इसे फटाफट से ओपन कर लिया जाए। ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर ये नट है जिसे खोल के हटाना होगा। तो ये स्क्रू हमने निकाल लिया और ये भाई इसका एंटीना है, ये है इसका रिमोट। तो काफ़ी हैंडी और क्लासी सा रिमोट है इसका जो कि देखने में तो बहुत ही कूल लगता है। तो हमें सिंपली इस एंटीना को इसमें लगा लेना है। रोटेट कीजिए और एंटीना को लगा लीजिए और एक काम करना मत भूलिएगा जो कि हमारे एंटीना को बड़ा करना। तो ये देख रहे हो कितना बड़ा हो जा रहा है, मैं तो इसे ऐसा मार भी सकता हूँ। तो ये रहा मेरा एंटीना जो कि मैंने कर लिया है इसे बड़ा। तो ये आप देख पा रहे हो ये छोटा सा अमेजिंग सा छोटू पैकेट बड़ा धमाका वाला कार है जो कि इसकी व्हील्स आप देख रहे हो पूरे रोटेटिंग है और ये मेटल बॉडी का होता है और इसकी व्हील्स होते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं। यहाँ पे एंटीना का वायर आपको दिखाई दे रहा होगा। छोटू सा कार है जिसे मैं करने वाला हूँ अभी रेसिंग। तो चलिए फटाफट से लगाया जाए इसमें बैटरी और बैटरी लगाने की बात करेंगे इसे कुछ धम्मा। तो यहाँ पे देख रहे हो एक ऑन ऑफ का स्विच आपको दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पे चार्जिंग जैक है। इस चार्जिंग जैक से ये चार्ज होता है, इसमें कोई पर्टिकुलर बैटरीज नहीं लगती, एक्सटर्नल बैटरी इसमें इंटरनल बैटरी दिया गया होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम बैटरी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो लगा लिया है मैंने बैटरी को हमारे रिमोट में और इसे मैं चेक भी करने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ आपको इस रिमोट की एक और खास चीज़। तो मैंने इस रिमोट को कर लिया पैक और इस बटन को जैसे आप प्रेस करोगे ये लाइट जो जलता है ये इंडिकेट करता है कि हमारा रिमोट जो है अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे ये ओपन लिखा है, जैसे इस ओपन में हम क्लिक करेंगे हमारा ये ढक्कन जो है वो खुल जाएगा। ये खुलने के बाद देख लो यहाँ पे ये है हमारा चार्जिंग के लिए, तो जो कि ये इसके लिए यूज़ होता है, हम इसे इसमें ऐसे चार्ज करते हैं। तो जब भी आप चार्ज करोगे आपको ये ग्रीन सिग्नल है जो कि ग्रीन लाइट है आपको बताएगा कि ये चार्ज हो रहा है। तो ये ग्रीन लाइट है जो कि आपको बताएगा कि ये चार्ज हो रहा है और ये चार्ज होगा, एक दो घंटे चार्ज लगाना है, ज़्यादा देर चार्ज नहीं लगाना। ऑफ करके हम इसे हमेशा चार्ज लगाएंगे और चार्ज हो जाने के बाद आप इसे ऐसे कर दीजिए और ये बंद। तो भाई हमारा कार हो चुका रेडी टेस्ट के लिए। तो फटाफट से किया जाए इसे रेस्ट। मैनुअल बुक तो देखने का काम भी नहीं पड़ा, हम लोग इतने क्यूरियस थे कि हम लोगों ने पहले सब कुछ सेट कर लिया। ये है हमारा रिमोट जो कि रेडी है। ओ भाई ये तो बहुत ही फास्ट है। तो देखा मैंने इसे कर दिया सीधा और ये स्टंट के लिए बिल्कुल तैयार। और आप देख रहे हो जैसे ये बटन है, इस बटन का यूज है, ये बटन दबाते ही ये बस सीधा चलता है। तो दोस्तों आपको ये छोटू सा कार कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, ये छोटू सा स्टंट कार कैसा लगा मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना और मुझे बताना आपको सबसे बेस्ट पार्ट इसका क्या लगा। और अगर आप ये खरीदना चाहते हो तो आप हमारे लिंक्स पर जाकर के इसे खरीद सकते हो और अपने घर भी ला सकते हो छोटू वाला अमेजिंग सा स्टंट कार। तो सारे स्टंट कार में मुझे अभी तक का ये सबसे बेस्ट स्टंट कार लगा है क्योंकि ये छोटा है, छोटू सा है, कहीं पर भी रह जाता है और अपने स्टंट्स को दिखाना कभी नहीं भूलता। तो अगर आप ये खरीदना चाहते हो तो आप हमारे लिंक्स पे जाकर के इसे खरीद सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और बने रहना हमारे साथ, ऐसे ही मैं आऊँगा ऐसे अमेजिंग नए टॉयज एंड रिव्यूज के साथ। अभी के लिए बाय बाय।